हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स के बारे में, और साथ साथ इसमें हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके भी ऐड किए हैं। दो तीन क्वेश्चन आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के देखने को मिलेंगे, बट ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी के ऐड किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे और साथ साथ इनकी सभी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आगे लिखी है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी, और अगर आपको लगता है ये क्लास किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास हमारी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ये सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए मैंने ये क्लास बनाई है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ये पूरा रेड डेटा बुक मैंने आपको पढ़ाया था, कितनी विलुप्त प्रजाति आती है, कौन सी सबसे अधिक संकट में है, ठीक है, किसमें सबसे अधिक संकटाग्रस्त प्रजातियां रखी जाती है, अत्यधिक संकटाग्रस्त कौन सी है, वो सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिखे गए हैं, सीबीडी के द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या एनबीए के द्वारा। तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो ये आईयूसीएन है इसके द्वारा किसका प्रकाशन किया जाता है, मतलब ये किसका प्रकाशन करती है, रेड डेटा बुक का पब्लिश करती है ये रेड डेटा बुक को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसके पूरी कंप्लीट डिटेल लिख दी है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहेगी। वैसे मैंने आपको पूरा समझा भी दिया था, बट यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये दोबारा से रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पर IUCN का जो मतलब है वो ये होता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये क्या करती है, ये पब्लिश करती है, कौन सी बुक को पब्लिश करेगी, रेड डेटा बुक को पब्लिश करती है ये, ठीक है। और मैंने आपको सारा का सारा बताया हुआ है रेड डेटा बुक को, जिसमें विलुप्त प्रजातियां, अति संकटाग्रस्त प्रजातियां ये सभी रखी जाती है। और ये रेड डेटा बुक किसके द्वारा पब्लिश होती है, IUCN के द्वारा। अब IUCN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपसे बस इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो ये रेड डेटा बुक को पब्लिश करती है जिसमें विलुप्त प्रजातियां ये सब रखी जाती हैं। जो ये रेड डेटा बुक होती है ना, इसमें आपके जो 50 ईयर का रिकॉर्ड है ये रखा जाता है। एक मैंने आपको बताया था पिंक पेजेस के बारे में, पिंक पेजेस में वो सारी प्रजातियां रखी जाती है जो अत्यधिक संकटाग्रस्त हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना अत्यधिक संकटाग्रस्त कौन सी होंगी, जहां पर मतलब 50 से कम जहां की प्रजातियां बच गई हैं, साथ साथ यहां पर जो 90% है वो खतरे में है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और यहां पर क्या होगा, जो रेड डेटा बुक है वो किसका रिकॉर्ड रखती है, पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड रेड डेटा बुक में रखा जाता है। इसको बनाने की बात जो सबसे पहले कही गई थी वो 1964 में कही गई थी, और ये जो बुक है रेड डेटा बुक बनी कब है, ये 1969 में बनी है। 1970 में ये कंट्री वाइज आई है, ठीक है। तो 1970 में हर कंट्री ने अपनी अपनी रेड डेटा बुक बनाई है, सबसे पहली बार बात की गई है 1964 में, 1969 में रेड डेटा बुक बनी है, और 1970 में कंट्री वाइज इसको बनाया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो मैंने अभी आपको कराया है। मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए, आप देख सकते हैं इसमें जितने भी ऑप्शंस है ना, मैंने ये जो ईयर्स लिखे हैं ये सभी कहीं ना कहीं आपने पढ़े हुए हैं, मैंने आपको ये सारे ईयर पढ़ा रखे हैं और इनके आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। तो आप इसको अपने आप लिंक करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी ईयर में मैंने आपको क्या पढ़ाया है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ये है, एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट कब अस्तित्व में आया, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लेकर आई है या कब अस्तित्व में आया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसी तरीके से हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट गैंडा, प्रोजेक्ट वल्चर, ये सारे के सारे हमने पढ़े थे। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब अस्तित्व में आया है आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर 1992 में आया है, ठीक है। तो आपको ये टिक कर देना है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम अब पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पूरा लिखा है, एक तो ये कलर्स बार बार यहाँ आ जाता है, सॉरी ये ऊपर कर देती हूँ मैं इसे खुद को। तो यहाँ पर अब यहाँ अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया है, और ये किस लिए लाया गया था, जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए लाया गया था, ठीक है। उन्हें मतलब उनका रख रखाव किया जा सके, जैसे ह्यूमन है और एलिफेंट्स हैं इनके बीच में जो झड़प होती है उन्हें दूर करने के लिए लाया गया था, या फिर जो लोग हाथियों का शिकार करते हैं, हाथी दांत का शिकार करते हैं, तो किस तरीके से हम उन्हें कंजर्व रख सकते हैं, उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, लोग वनों को काटते जा रहे हैं, उसमें एलिफेंट्स का जो आवास है वो विखंडित होता है,
होता जा रहा है। तो आवास का विखंडन दूर करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया। इसी के तहत एक और प्रोजेक्ट लाया गया था जिसे नाम दिया गया माइक, ठीक है। ये इसका पूरा नाम होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। यहाँ पर किसकी मॉनिटरिंग की गई है, जो एलिफेंट्स हैं यानी कि जो इलीगल तरीके से जिसको मार दिया जाता है उनकी मॉनिटरिंग। ये ऐसे एरिया में लाया गया है जहां पर क्या होता है आपका, जिस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आधा माइक पढ़ रहे थे। माइक क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि यहाँ पर जो गलत तरीके से जो एलिफेंट्स को मारा जाता है, ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा एरिया बन चुका है जहां पर इलीगल किल है, किसका, एलिफेंट्स का। तो वहां पर कौन सा प्रोजेक्ट लगाया गया, माइक, ठीक है। एलिफेंट जो है ना, मैंने आपको बताया था ये सबसे बड़ा बिगेस्ट लैंड मैमल है, और इसके साथ साथ जो आपकी व्हेल है वो वॉटर की जो बिगेस्ट मैमल है, ठीक है। पर अगर आपसे लैंड पूछेगा तो आपको एलिफेंट टिक करना है, वॉटर पूछता है तो आपको व्हेल टिक कर देनी है, ठीक है। अब वहां पर जो मैंने ईयर लिखे थे, ईयर के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर सारे प्रोजेक्ट लिखे हैं, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी वो क्लासेस देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ईवीएस फॉर हरियाणा सीटी के नेम से, तो वहां पर आप इन्हें डिटेल से पढ़ सकते हैं। जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, 1970 में प्रोजेक्ट हुगुल आया था, ठीक है, हुगुल। इसके बाद 2019 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन आया था। तो आपको पता है जो ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन था, ये डॉल्फिन जो होती है ये गंगा नदी में पाई जाती है, इसे गंगा नदी के प्रदूषण का इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रख लेनी है, सारी इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने यहाँ पर नोट की है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है, 1992 में आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट कब आया। ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो कंजर्वेशन एक्ट है वो कब आया है, ठीक है। तो आपको बताना है ये एक्ट कब आया, मैंने आपको पढ़ाया है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट आपका 2002 में आया है। इसके बारे में हम फुल कंप्लीट डिटेल से पढ़ लेते हैं, किसके तहत कौन से प्रोटोकॉल लाए गए हैं जो इसकी उपसंधियों के रूप में काम करते हैं, जिनके ऊपर हमें काम करना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां मैंने लिखा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है इसके तहत कुछ और भी प्रोटोकॉल्स लाए गए थे, जो किस लिए लाए गए, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन किया जा सके, वहां पर रहने वाले प्लांट्स का कंजर्वेशन हो सके, वहां की वेजिटेशन का कंजर्वेशन हो सके। इसी के तहत कार्टिजिना प्रोटोकॉल मैंने आपको पढ़ाया था, नागोया प्रोटोकॉल लाया गया, ठीक है। तो ये और आईची लक्ष्य लाए गए हैं, तो ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कार्टिजिना प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर कब हुआ है, 2003 में हुआ है, और यहां पर एक एनबीए है जिसका नाम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बनाई गई जिसे नाम दिया गया NBA, ठीक है। जो ये कार्टिजिना प्रोटोकॉल है ये भी इन सब के लिए मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ही लाया गया था। इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एनिमल, इसका जो उद्देश्य है वो क्या करता है, ये फॉरेस्ट के जो एनिमल है, वन्य जीव है, साथ साथ जो वन्य वनस्पतियां हैं उन पर काम करने के लिए लाया गया। इसे क्या नाम दिया हमने, कार्टिजिना प्रोटोकॉल का नाम दिया। अब इंटरनेशनल स्तर पर हमारे यहां पर क्या क्या काम हो रहे हैं, जैसे 1992 में CBD आया, यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया है। 2000 में कार्टिजिना प्रोटोकॉल आया था, लेकिन इस पर सिग्नेचर कब किए गए, पूरी तरीके से लागू कब हुआ, ये 2003 में हुआ है। इसके बाद नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नगोया एक शहर है जापान का, ठीक है, जापान का शहर है नगोया। और ये कौन सी स्टेट में पड़ता है, जो नगोया शहर है ना, ये आईची स्टेट है, ये जापान की, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, आईची टारगेट रखा है। तो ये आईची इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि जो ये आईची है ना, ये क्या है, जापान की एक स्टेट है, और इस स्टेट में एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है नगोया, जहां पर ये प्रोटोकॉल हुआ था, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, नगोया प्रोटोकॉल रखा गया। और ये कब हुआ है, 2010 में हुआ है। इसका लक्ष्य ये था, इसका उद्देश्य ये था कि जिस भी चीजों का आप यूज कर रहे हैं, जहां से भी आप चीजें ले रहे हैं, तो आपको उसका कुछ पार्ट देना होगा, यानी कि अगर आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपको उससे कोई लाभ हो रहा है, तो उस लाभ का कुछ शेयर उन लोगों को भी देना होगा जहां से आप वो सामान लेकर आ रहे हैं। उसमें मैंने आपको जंगल का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, जो भी ट्राइबल एरिया है जहां से आप वो जंगलों से सामान लेकर आते हैं, तो उन्हें भी कुछ शेयर आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें नगोया प्रोटोकॉल में कही गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो हमें इनके डेज के बारे में पता होना चाहिए। अब की बार इसकी थीम क्या रही थी, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को हर साल कब मनाते हैं, 22 मई को, और ये इंटरनेशनल स्तर का है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल लेवल का बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। ये इसीलिए भी 22 मई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आपका CBD हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 22 मई को हुआ है, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाते हैं। इसका जो
थीम रहा था 2023 में, जो इसका थीम रहा वो था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। तो ये पहले यहां तक याद रखेंगे फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन देन बीबीबी, ठीक है, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या है, 2023 की थीम है बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। 22 मई 1992 को सीबीडी कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए हम इंटरनेशनल लेवल का जो बायोडाइवर्सिटी डे है वो 22 मई को ही मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट एरिया है, ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है, सारा पढ़ा रखा है मैंने आपको, ओक बिल पढ़ाया था, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट पढ़ाए हैं, हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, यूनेस्को में कौन से हैं, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए थे। इंडिया में कितने हॉटस्पॉट एरिया है, तो ये आपको बताना है इंडिया में कितने हॉटस्पॉट एरिया है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ ये कितने हैं, 4 है, जिसे मैंने आपको एक ट्रिक के साथ में याद कराया था, विश के साथ में। ठीक है, आगे मैंने इसको एक्सप्लेन करके भी लिखा है कि विश का मतलब क्या होता है, ये अगर आपको एक्सप्लेनेशन से पढ़नी है तो इसकी क्लास भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, वहां मैंने पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट भी कंप्लीट डिटेल से पढ़ा रखा है। इंडो बर्मा में कौन सी कंट्री आती हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट में है ये इंडिया के, और ये बाहर कौन सी कंट्री में, मतलब इसमें कौन सी कंट्री शामिल है, ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर आपका टोटल हॉटस्पॉट इन इंडिया आर 4, इंडिया में जो टोटल हॉटस्पॉट सेंटर्स हैं वो कितने हैं, 4 है, इसे हमने विश से याद किया है, डब्ल्यू से आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से पढ़ा दिया है कि यहाँ पर कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कितने एलिफेंट है, कितने टाइगर हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने पढ़ा दिया, कौन सी वनस्पतियां, कौन सी यहाँ की एंडेमिक प्रजातियां हैं। इसके साथ साथ इंडो बर्मा रीजन, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे जितने भी हॉटस्पॉट हैं ये केवल इंडिया में नहीं है, ये किसी न किसी दूसरी कंट्रीज के साथ में भी बाउंड्री शेयर करते हैं, उन कंट्रीज को भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहां पर बात करते हैं वेस्टर्न घाट, और आई से कैप का इंडो बर्मा रीजन, एस से सुंडालैंड है, और एच से हिमालयन वाला रीजन है। तो यहां पर ये 4 आपके कहां पर है, ये इंडिया में है। इसके बाद टोटल हॉटस्पॉट्स कितने हैं यहाँ इंडिया में, 36 है, 36 में से 4 हमारे इंडिया में हैं। और बात कर लेते हैं ओक बिल की, मैंने आपको ओक बिल के बारे में बताया था, जो ओक बिल है ये ओक बिल में से आपके इंडिया में एक भी नहीं है। ओक बिल कितने हैं, टोटल 15 है। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में पूछता है तो आपका वेस्टर्न घाट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में आता है, तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था जब मैंने आपको वेस्टर्न घाट पढ़ाया था, कंप्लीट डिटेल से मैंने आपको इसकी कमेटीज बताई थी, मैंने आपको गोडगिल कमेटी बताई थी, कस्तूरी रंगन कमेटी बताई थी। इसके बाद यहां पर मैंने लिखा है गोडगिल कमेटी का गठन कब हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो गोडगिल कमेटी है ये वैसे तो किससे रिलेटेड है, आपके वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कमेटी का गठन कब हुआ है, 2010 में गोडगिल कमेटी बनाई गई है। इसलिए बनाई गई थी क्योंकि आपके जो यहां पर यूनेस्को है, यूनेस्को क्या करता है, आपके यहां पर जितने भी अच्छे, जिस तरीके से नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है, जो कल्चरल है, जो किसी न किसी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखे हैं, धरोहर विरासत है वो कहीं ना कहीं, मतलब कोई कल्चरल विरासत है, तो ये सारी चीजें यूनेस्को में आती हैं। तो जो ये आपका वेस्टर्न घाट है इसे भी यूनेस्को की साइट में ऐड करने की बात कही गई थी, तो इसके कंजर्वेशन के लिए या फिर ये देखने के लिए कि क्या इसे हम जो मतलब जिस तरीके से यूनेस्को की साइट है उसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया था, मतलब इसका कंजर्वेशन हो सके, इस पर देखरेख हो सके, जो भी इलीगल एक्टिविटीज है वो ना हो, इसके लिए गोडगिल कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि हमें इसे यूनेस्को में शामिल करना था। तो अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है गोडगिल कमेटी क्या थी। गोडगिल कमेटी जो है यहाँ पर 2010 में वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन के लिए लाई गई थी। इस कमेटी ने 2011 में क्या दी है, अपनी रिपोर्ट दी है। इसके हेड कौन है, माधव गोडगिल है, जो ये गोडगिल जी इकोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं, इनका नाम क्या है, माधव गोडगिल है। इन्होंने क्या किया, इसे 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया था, और इन्होंने कहा था कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, राज्य सरकारों से ये अधिकार छीन लेना चाहिए, ये जितना भी यहाँ का कंजर्वेशन का कार्य है वो किसे दे देना चाहिए, अथॉरिटीज को दे देना चाहिए। इसके तहत कस्तूरी रंगन कब आई थी, 2012 में आई है, जो जिसने किस पर काम किया, इसको एडिटिंग करने का काम किया। ठीक है, इसके बाद ये भी किससे रिलेटेड, आपके वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। इसने ये सारी की सारी कंडीशंस हटा दी, इसने सिर्फ 37% एरिया को क्या रखा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन घोषित किया, लेकिन गोडगिल जी ने पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया था। तो इसीलिए कस्तूरी रंगन कमेटी लाई गई थी कि आपको पूरे के पूरे एरिया को सेंसिटिव जोन घोषित करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमारा इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने संख्या में है, ये मैंने आपको बताया था इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो ये आपको बताना है कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अपने आप भी मतलब नोटबुक में लिख सकते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितनी संख्या में है, तो यहाँ पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल, ठीक है। उसमें से हमारे यहाँ पर इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 12 किसकी सूची में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है। ये सारे के सारे मैंने आगे यहाँ पर इस तरीके से इमेज लगा दिया, यहाँ मैं बता देती हूँ पहले टोटल बायोस्फीयर इन इंडिया 18 एंड यूनेस्को की सूची में कितने शामिल हैं 12। और पन्ना जो है ना वो न्यूएस्ट है, पहले आपके यहाँ पर 2020 तक 11 ही बायोस्फीयर रिजर्व थे, लेकिन बाद में 2020 में एक नया बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किया गया जिसे नाम दिया गया है पन्ना। पन्ना क्या है, न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो ये कहाँ है, इसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसकी कुछ लिस्ट यहाँ ऐड कर दी है, ये 11 है, मैंने आपको पढ़ाया था तब भी समझाए थे, बट हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2000 में लिस्ट किया गया यूनेस्को की सूची में। तो आपसे पूछ ले सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल हुआ था, तो यहाँ पर आपका ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कब ऐड हुआ है, 2000 में ऐड हुआ है। इसके बाद आपकी गल्फ ऑफ मन्नार है, ये एक साल बाद ही ऐड हो गई 2001 में। सुंदरबन 2001 में, नंदा देवी 2004 में, ठीक है। तो पहले वाला जो नीलगिरी है वो 2000 में ऐड हुआ है, इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार एंड सुंदरबन, ठीक है, ये 2001 में ऐड हुए हैं यूनेस्को में। इसके बाद है नंदा देवी 2004 में, फिर से 4 साल ऐड कर दिए हमने सिमलीपाल, सिमलीपाल 2008 में है। नोकरेक, नोकरेक कहाँ है, नोकरेक ये 2009 में है। इसके बाद पंचमढ़ी, पंचमढ़ी 2009 में है। इसके बाद है अचकनवार या अमरकंटक, अमरकंटक क्या है 2012 में ऐड किया है। ग्रेट निकोबार 2013 में है। अगस्तमलाई की पहाड़ियां 2016 में, कंचनजंगा 2018 में। तो ये 11 है और एक नए वाला मैंने वहां पर ऐड किया था पन्ना, ठीक है। तो पन्ना जो न्यूएस्ट है 2020 में ऐड किया गया है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, पहले हमने पढ़ा नीलगिरी, ठीक है, नए वाला सबसे पहले कौन सा ऐड किया गया है, नीलगिरी ऐड किया गया है। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में, सुंदरबन 2001 में, नंदा देवी 2004 में, सिमलीपाल 2008 में, ठीक है। इसके बाद नोकरेक 2009 में, पंचमढ़ी भी 2009 में। तो दो 2009 के हैं, नोकरेक और पंचमढ़ी। इसके बाद है यहां पर अमरकंटका वाला 2012 में है, ग्रेट निकोबार 2013 में है, अगस्तमलाई यहां पर 2016 में है और कंचनजंगा 2018 में है। न्यूएस्ट कौन सा आपका, पन्ना है जो अभी 2020 में जिसे यूनेस्को में ऐड किया गया है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है आपके। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि आसपास के कुछ नेशनल पार्क को इकट्ठा कर लिया जाता है और उन्हें ही बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, फिर इसे बाद में आगे इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाता है जहां पर इसे यूनेस्को की साइट में ऐड कर लिया जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद ये डिजास्टर मैनेजमेंट के 2-3 क्वेश्चन ही हैं। मैं जो नेक्स्ट, अभी मैंने एक ही क्लास कराई है तो मैंने सोचा थोड़ा सा ही करा देती हूं, उसमें कुछ ऐड कर देती हूं, तो जो नेक्स्ट क्लास बनाऊंगी ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कब एक्ट, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट है ये कब पारित हुआ था, ठीक है, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया, कब लागू हुआ ये, तो ये 2005 में आया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ईयर जो मैंने यहाँ लिखे हैं आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये सारे के सारे पढ़ा भी रखे, तो ये क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही जरूरी है, जितने भी एक्ट है जितने भी ईयर है इनको याद करके जाना। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है मैंने, यहाँ पर आपको पता है जो ये आपदा प्रबंधन एक्ट है ये कब लाया गया, 2005 में लाया गया, लेकिन इससे पहले कुछ काम हो चुके थे। 2000 में इन्होंने जो मंत्रालय है वो किसे दे दिया, यहां पर वन सेकेंड, हाँ ठीक है, तो 2000 में जो मंत्रालय है इसको होम मिनिस्टर को शिफ्ट कर दिया गया। आपको पता है सबसे पहले जो ये मंत्रालय है जो आपदा प्रबंधन का काम देखता था ये कृषि मंत्रालय के अंडर आता था, लेकिन बाद में इसे होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, मैंने उसका क्वेश्चन ऐड किया है। 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट आया है, ठीक है, इसके बाद 4 साल बाद हमारे यहाँ पर जो 2009 है इसमें एक पॉलिसी लाई गई जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड थी। इसके बाद 2016 में एक प्लानिंग लाई गई, जो इंडिया है पहली कंट्री है जो किसी भी मतलब आपदा को लेकर योजना बनाती है, ठीक है। तो 2016 में इंडिया ने क्या बनाई है, प्लानिंग बनाई है, और इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश है। 2000 में इसको होम मिनिस्टर को शिफ्ट कर दिया गया। इस एक्ट में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसमें 9 सदस्य होंगे, कुछ कमेटी होगी। इसके बाद राज्य स्तर पर इसके जो हेड होंगे वो सीएम होंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन होंगे, आपके जो डीएम होते हैं वो होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे जो मतलब आपके जो ये नगर पालिकाएं होती है, नगर परिषद होती है, म्युनिसिपल कमेटीज होती है, इनके इसमें कुछ हेड होते हैं, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायतों में हेड होते हैं। तो इसे अलग अलग लेवल पर बनाया गया, तो ये आपका एक्ट में आता है। किसमें, मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इसको शामिल किया गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, प्लानिंग वाला पॉइंट भी आपको याद रख लेना है, ठीक है।
इसके बाद है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं, ज़्यादा भूकंप आते हैं, वहाँ पर जो घर है वो कैसे बनाए जाने चाहिए, तो वहाँ के जो हाउस है ना वो ऐसे ट्रेंगुलर शेप में बनाए जाने चाहिए ताकि इनको कम से कम क्या हो, क्षति हो सके, यानी कि कम से कम इनका नुकसान हो, कम से कम यहाँ पर क्या हो, जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो। तो यहाँ के जो घर है वो कैसे होने चाहिए, त्रिभुजाकार होने चाहिए। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो कुछ नए नए पॉइंट्स मैं आपको क्वेश्चन में याद कराती जाऊँगी, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। निम्न में से कौन सी आपदा होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी आपदा है जिसे गृह मंत्रालय नहीं देखता है। तो मैंने आपको बताया था 2000 से पहले ये सभी किसके अंडर थे, कृषि मंत्रालय के अंडर थे, लेकिन 2000 के बाद में इसे किसे सौंप दिया गया, गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। गृह मंत्रालय में सभी के सभी टॉपिक्स आते हैं, बजाय कि एक एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन का नाम क्या है, सूखा। तो ये जो सूखा वाली कंडीशन है किसके अंडर नहीं आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, किसके अंडर आती है, कृषि मंत्रालय के ही अंडर आएगी। और ये सारी की सारी घटनाएं किसके अंडर आएंगी, आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको लगता है ये क्लास किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।